बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपन पहले पढ़ रहे थे एग्जाम से पहले पॉलीमराइजेशन, और वहां पर अपन ने पढ़ा था कि जो पॉलीमराइजेशन है उसकी टू मेथड्स होती हैं। फर्स्ट है चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और दूसरा है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चैन ग्रोथ जो पॉलीमराइजेशन है, उस चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की अपन मैकेनिज्म देख रहे थे, और वहां पर चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म में वहां पर अपन ने पढ़ा था कि इसकी श्रृंखला क्रियाविधि होती है, चैन मैकेनिज्म होती है, और जो चैन मैकेनिज्म है वो थ्री टाइप से पॉसिबल होती है। एक फ्री रेडिकल चैन मैकेनिज्म, एक कैटाइन चैन मैकेनिज्म और एक एनाइन चैन मैकेनिज्म। इसके पहले की जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में अपन ने फ्री रेडिकल चैन मैकेनिज्म की स्टडी कर ली थी। आज अपन देखते हैं कि जो आयनिक पॉलीमराइजेशन है जिसके अंदर कैटाइन और एनाइन है, वो किसी श्रृंखला को, किसी चैन को इनिशिएट करते हैं, तो आज अपन उसकी स्टडी करते हैं। तो आज अपन देखते हैं आयनिक पॉलीमराइजेशन। ये एक चैन पॉलीमराइजेशन की एक मैकेनिज्म है जो, और चूंकि आयनिक पॉलीमराइजेशन है तो आयन टू टाइप्स के होते हैं, कैटाइन और एनाइन, उसी प्रकार से ये जो आयनिक पॉलीमराइजेशन है ये भी टू टाइप का होगा, एक कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन और एक एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। तो देखिए इसमें अपन देखते हैं, तो आज यहां पर आयनिक पॉलीमराइजेशन, और ये दो प्रकार का होता है, कैटाइन पॉलीमराइजेशन और सेकंड है एनाइन पॉलीमराइजेशन। जो कैटाइन पॉलीमराइजेशन है अपन वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैटाइन पॉलीमराइजेशन। कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन है, ये अपन जानते हैं कि ये पॉलीमराइजेशन किसी लुईस एसिड, लेविस एसिड जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, BF3, H3PO4 और H2SO4 या ऐसी कोई कैटाइनिक स्पीसीज के द्वारा ये कैटेलाइज्ड होता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कैटेलाइज्ड बाय कैटाइन स्पीसीज एंड लेविस एसिड लाइक एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, BF3, H3PO4, H2SO4, HF, यहां इनके द्वारा ये कैटेलाइज्ड होता है। दूसरा, यहां पर अपन ने देखा कि जो चैन पॉलीमराइजेशन है वो चैन पॉलीमराइजेशन वाइनिल मोनोमर्स के द्वारा दी जाती है, और वाइनल मोनोमर्स में भी कोई सब्स्टिट्यूट वगैरह ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। तो यहां पर इस तरीके का जो पॉलीमराइजेशन है, जो पॉलीमराइजेशन कैटाइन्स के द्वारा कैटेलाइज्ड होता है, वो पॉलीमराइजेशन उन वाइनल एकलकों के द्वारा दिया जाएगा, उन वाइनल मोनोमर्स के द्वारा दिया जाएगा जिन वाइनल मोनोमर्स में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, और यदि वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वो इजीली जो इलेक्ट्रॉन अब्र है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कैटाइन्स की ओर विस्थापित करेंगे और उसके साथ में बॉन्डिंग करके एक कैटाइन क्रिएट करेंगे, और जिसके कारण से चैन जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी और पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो यहां पर ये उन्हीं वाइनल एकलकों में दी जाती है, जैसे यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर ये जेड
तो यहां पर ये जो जेड है वो जो नेचर है इस जेड की वो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहां इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगी तो ये आसानी से जो कैटायनिक स्पीसीज है उसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उसके साथ में आसानी से ये बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो यहां पर जो भी कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में जनरली इस तरीके के वाइनल एकलक पार्टिसिपेट्स करते हैं, जिन वाइनल एकलकों में जो ग्रुप होते हैं जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ रहता है उसकी नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने की नेचर होनी चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है तो वो इजीली इस तरीके से कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट्स करता है। ओके, यहां पर थर्ड चीज और देख सकते हैं इसमें, जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है वहां पर जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है वो इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है कार्बोकैटायन। ओके, तो यहां पर इस पॉलीमराइजेशन में जब भी चैन, ये चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, चैन बढ़ती जाती है, वैसे छोटा कार्बोकैटायन फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा इस तरीके से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट स्पीसीज जो बनता है वो इसके अंदर कार्बोकैटायन होता है। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है वो एज ए इंटरमीडिएट स्पीसीज की तरह काम कर रहा है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर फोर्थ देखें, और इसमें क्या है, फोर्थ में अपन देखेंगे कि ये जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है ये भी थ्री स्टेप्स में होता है। फर्स्ट चैन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड चैन प्रोपगेशन स्टेप, थर्ड चैन टर्मिनेशन स्टेप। तो यहाँ पर ये जो है इनकी जो स्टडी है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को भी अपन थ्री स्टेप्स में उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूं लिख सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है ये थ्री स्टेप्स मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है ये कैटायन्स के द्वारा कैटेलाइज्ड होती हैं, और इसमें जनरली लेविस एसिड हैं वो पार्टिसिपेट्स करते हैं। ये उन वाइनल मोनोमर्स के द्वारा दी जाती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले इलेक्ट्रॉन दाता समूह प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो इंटरमीडिएट के रूप में बनता है वो कार्बोकैटायन स्पीसीज बनती है, और ये जो मैकेनिज्म है ये थ्री स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ओके, तो ये इसके कुछ करैक्टर हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के, और इस कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के इन्हीं करैक्टर के आधार पर अपन इसकी मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करेंगे और इसकी अपन मैकेनिज्म लिखते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको जैसे बताया है कि ये थ्री स्टेप्स मैकेनिज्म होती हैं, तीन स्टेप्स में होते हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप, तो जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है चैन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पथ। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कोई कैटाइन या लेविस एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होती है, और यहाँ पर ये वाइनल एकलक, और ये जो वाइनल एकलक है यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूट है, और ये इस तरीके से यहाँ पर ये जुड़ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन अभ्र है वो कैटाइन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और कैटाइन अल्टीमेटली उसके साथ में जुड़ जाता है। जब ये कैटाइन उसके साथ में जुड़ जाता है तो CH2CHZ, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो कैटाइन जिसके द्वारा इनिशिएट हो रहा है वो एक कार्बोकैटाइन्स बनाता है, और कार्बोकैटाइन बढ़ने के साथ में ही अपन जानते हैं कार्बोकैटाइन का ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है,
और वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट को कम्प्लीट करने के लिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण से ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता जाता है। न्यूक्लियर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में ये रिएक्ट होकर के उसको फिर एक बड़े कार्बोकैटायंस में उसको कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि चैन इनिशिएशन जो स्टेप्स है उस स्टेप के अंदर जो कैटाइन है वो कैटाइन किस प्रकार से वाइनल मोनोमर्स को के साथ में रिएक्ट होकर के किस तरीके से न्यू कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन कर रहा है, और न्यू कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन के साथ में ही जो चैन जो रिएक्शन है वो चैन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और इसी कारण से इसको चैन इनिशिएशन स्टेप या श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, चैन प्रोपोगेशन स्टेप, श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में एक कार्बोकैटायन किसी दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट होकर के एक नया कार्बोकैटायन बनाता है, और फिर वो नया कार्बोकैटायन किसी दूसरे न्यूट्रल मोनोमर्स के साथ में रिएक्ट होकर के एक फिर नया कार्बोकैटायन बनाता है, और इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। श्रृंखला है वो आगे बढ़ती रहती है, श्रृंखला है वो बढ़ती रहती है, और पॉलीमर का निर्माण पॉलीमर फॉर्मेशन होता रहता है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी चैन प्रोपोगेशन स्टेप में, श्रृंखला संचरण पद में। तो ये श्रृंखला संचरण पद में आप इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये ए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHZ, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है इस कारण से ये यहां पर ए CH2 CH Z CH2 CH Z, और ये पॉजिटिव चार्ज, और इस प्रकार से यहां पर मान लीजिए N मोनोमर हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH Z, तो यहां पर जो बनेगा A ये यहां पॉजिटिव, अब ये N है तो ये यहां पर N, और इस प्रकार से ये एक बड़ा कार्बोकैटायन है वो यहाँ पर बनता है। तो आप देखिए इस तरीके से N वाइनल मोनोमर हैं वो जुड़ते जाएंगे, और उसके हिसाब से ये कार्बोकैटायन है इसका फॉर्मेशन होता जाएगा। ठीक है, थर्ड है चैन टर्मिनेशन स्टेप। चैन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर आप देख रहे हो कि श्रृंखला समाप्त पद, और श्रृंखला समाप्त पद उसे कहते हैं जिसमें श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आपने देखा है श्रृंखला का प्रारंभ है वो कार्बोकैटायन बढ़ने से शुरू हुआ है, तो श्रृंखला का जो अंत है वो कार्बोकैटायन खत्म होने पर हो जाएगा। तो यदि कार्बोकैटायन नहीं रहेगा तो फिर श्रृंखला है वो समाप्त हो जाएगी, और जो कार्बोकैटायन नहीं रहेगा तो फिर जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे नेक्स्ट वाइनल जो मोनोमर्स हैं उससे रिएक्ट करके वापस से नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो थर्ड है चैन टर्मिनेशन स्टेप। चैन टर्मिनेशन स्टेप्स में आप देखेंगे कि ये आपको जो चैन प्रोपोगेशन स्टेप्स है इसके अंदर इस तरीके से आपको ये यहाँ पर प्राप्त हुआ है कार्बोकैटायन, यहाँ पर, और यदि इसके अंदर अपन सॉल्वेंट डाल दें और वो जो सॉल्वेंट है वो यदि क्षारीय हो
नेचर में क्षारीय हो, तो वो यहाँ ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को ये हटा लेता है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो पॉजिटिव चार्ज है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी एच टू सी एच जेड सी एच टू सी एच जेड एन सी एच डबल बॉन्ड सी एच जेड। और इस प्रकार से यहाँ पर ये पॉलीमर है वो प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हो कि चैन टर्मिनेशन स्टेप्स में जो कार्बोकैटायन है वो एक क्षार की प्रेजेंस में ये इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है। और पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाने के साथ ही, कार्बोकैटायन्स के ख़त्म हो जाने के साथ ही अपने को यहाँ पर चैन है वो समाप्त हो जाती है और पॉलीमर प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हो कि जो आयनिक पॉलीमराइजेशन है उसकी टू टाइप्स की मेथड हैं, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में आपने देखा है कि यहाँ पर थ्री स्टेप्स हैं और थ्री स्टेप्स में अपन वन बाय वन इनकी स्टडी की है और उसके परिणाम स्वरूप उसके रिजल्टेंट अपने को पॉलीमर प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से अपन देखते हैं कि किस तरीके से पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट कल अपन देखते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन और उसमें अपन देखेंगे कि किस तरीके से एनायन के द्वारा कैटलाइज्ड एनायन के द्वारा पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया है वो उत्प्रेरित होती है और उसके द्वारा भी पॉलीमर फॉर्मेशन होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।